हाय दोस्तों, मेरा नाम मन्ना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम सीखना चाहते हैं, मोबाइल सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्ना ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मोबाइल सॉफ्टवेयर काम करने के लिए या सीखने के लिए आपको एक कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। कंप्यूटर में अगर आपके पास डेस्कटॉप है या लैपटॉप है तो आप दोनों में ही जो है आप सॉफ्टवेयर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आप बात करते हैं बॉक्स की कि आप किस बॉक्स से आप जो मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये UFS 3 बॉक्स है। ये नोकिया के लिए बॉक्स था और ये अभी भी चल रहा है और अभी भी पुराने मॉडल जो इसमें फ्लैश हो रहा है। तो दोस्तों, ये बॉक्स भी अब जो है रिटायर होने वाला है और इस बॉक्स की अब हम बात छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं दूसरी चाइनीज बॉक्स की। चाइनीज बॉक्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये इस बॉक्स का नाम है स्पाइडरमैन। ये बॉक्स जब चाइनीज मोबाइल आया था उस वक्त जो ये बॉक्स भी आया था। तो ये बॉक्स जो है आज के युग में जो है अभी के डेट में जो है ये बॉक्स जो है रिटायर हो चुका है। अब ये बॉक्स जो है हमारे किसी काम का नहीं है। तो अब इसके बाद जो है अभी दूसरा बॉक्स आया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। मैं बता दूं, ये इसका बॉक्स का नाम है एविटर बॉक्स। ये बॉक्स जो आया इस स्पाइडरमैन के बाद, तो ये बॉक्स भी जो है अब जो है रिटायर हो चुका है। अब इस बॉक्स की भी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मोबाइल सॉफ्टवेयर काम करने के लिए, सभी मोबाइल को फ्लैशिंग करने के लिए, सभी मोबाइल को अनलॉक करने के लिए अभी मार्केट में जो दो बॉक्स जो है वर्क कर रहा है, दो बॉक्स काम कर रहा है मार्केट में और काफी जो ये धूम मचा रहा है दोनों बॉक्स। ये बॉक्स सामने आप देख रहे हैं, इस बॉक्स का नाम है Z3X बॉक्स। ठीक है, ये बॉक्स जो है सैमसंग के लिए स्पेशल बॉक्स है और इस बॉक्स से जो है आप सैमसंग के किसी भी मोबाइल को फ्लैशिंग कर सकते हैं, किसी भी मोबाइल को आप अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, बता दूं मैं आपको कि इस बॉक्स की जो कीमत है लगभग तकरीबन आज के डेट में 6,800 रुपए कीमत है। उसके बाद चलिए आप बात करते हैं चाइनीज मोबाइल के बारे में। दोस्तों, चाइनीज मोबाइल के बारे में आपको बता दूं कि अभी जो है मार्केट में जो है ये मिरेकल बॉक्स जो है इसमें सारे मोबाइल को ऐड कर दिया गया है। दोस्तों, मैं बता दूं इसमें MI, लावा, माइक्रोमैक्स, ओप्पो, वीवो, सैमसंग बहुत सारे मोबाइल को इसमें जो है ऐड कर दिया गया है। ठीक है, इस मोबाइल से इन सभी मोबाइल को जो है आप अनलॉक कर सकते हैं, इन सभी मोबाइल में जो है आप सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बॉक्स की जो कीमत है लगभग अभी के डेट में जो इस मार्केट में जो कीमत है इस बॉक्स की, तो इस बॉक्स की कीमत है लगभग 7,500 रुपये। साथ में आपको मिलता है इसमें कुछ केबल, डाटा केबल, सॉरी जिग केबल और ये कुछ केबल आप देख रहे हैं, इनमें से बहुत सारे केबल आपको मिलेगा, पैकेट मिलेगा। और इस मोबाइल इस बॉक्स में जो है आप मोबाइल को इस तरह से बूट कर सकते हैं और इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल को अनलॉक करने के लिए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप जब मोबाइल को अनलॉक करेंगे तो उससे पहले आपको मोबाइल के बारे में जो जान लेना होगा कि मोबाइल जो है जिस मोबाइल को आप अनलॉक करना चाहते हैं उस मोबाइल के अंदर में जो CPU कौन सा है। मान के चलिए हमारे हाथ में ये मोबाइल है, आप इस मोबाइल को अगर अनलॉक करना चाहेंगे तो इस मोबाइल के बारे में पहले आपको जानना होगा ये मोबाइल जो है इसके अंदर में जो CPU कौन सा है, इसके अंदर में जो IC है वो कौन सा है, इसका जो हार्डवेयर है वो कौन सा है। तो हार्डवेयर के बारे में पहले आपको पता लगाना होगा कि इसके अंदर में जो CPU है, जो वो CPU का जो नंबर है वो नंबर क्या है। तो दोस्तों, जब भी आप इस मोबाइल को अगर ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद इसके IC पर लिखा हुआ होता है कि ये IC जो कौन सा है, MTK है कि स्पीड ड्रम है या क्वेलकम है, जो भी IC है। तो मान के चलिएगा MTK IC है, तो MTK IC में बहुत सारा नंबर होता है, ये बहुत सारे नंबर है और ये सारे नंबर जो अलग अलग कंपनी अलग अलग मोबाइल में जो यूज करता है, तो उसी के हिसाब से जो है हमारे सॉफ्टवेयर में जो ये सारा जो नंबर है वर्क करता है। उसके बाद आप यहाँ देखो SPD यानी कि स्पीड ड्रम IC में बहुत सारे नंबर होता है। तो आप किसी भी मोबाइल के बारे में अगर पता लगाना चाहें तो आपको जो है कि ये मोबाइल में जो कौन से नंबर का CPU लगा है, कौन से नंबर का IC लगा है, तो उसे पता लगाने के लिए आपको जो है गूगल पर जाना होगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेलकम, तो क्वेलकम IC जो आजकल जो है 2017-2016 में जो है ये ओप्पो, वीवो, MI ये सारी मोबाइल में जो है क्वेलकम जो CPU जो है इसमें यूज किया जाता है। क्वेलकम CPU को भी आप मिरेकल बॉक्स में जो है आप अनलॉक कर सकते हैं, फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मान के चलिए आप किसी मोबाइल का IC का पता कैसे लगाएंगे कि उस मोबाइल में कौन सा IC है, कौन सा CPU है, तो उसके लिए आपको यहाँ गूगल में जाना होगा, गूगल में आपको मॉडल नंबर लिखना होगा। मान के चलिए आपके पास कोई भी अगर मोबाइल है उसके बारे में आप पता लगाएं कि इस मोबाइल के अंदर में कौन सा IC है, कौन सा CPU है इसके अंदर में, उसका पता आप कैसे लगाएंगे, तो आप उस मोबाइल को खोल करके देख सकते हैं या तो फिर उस मोबाइल के बारे में आप यहाँ पे गूगल पे टाइप कर सकते हैं उसका मॉडल नंबर। तो जैसे उसका मॉडल नंबर आप टाइप करेंगे, मॉडल नंबर टाइप करने के बाद बीच में आपको स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद आपको लिखना है CPU टाइप। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा लावा KKT 34i, उसके बाद इसके बीच में मैंने स्पेस दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा CPU टाइप। उसके बाद हम इसे सर्च करेंगे गूगल पर।
और जैसे हम गूगल पर सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि इस मॉडल के अंदर में जो है कौन सा सीपीयू को यूज किया गया है, कौन सा आईसी को इस सर्किट में जो है फिट किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया लावा KKT34i, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि MTK6260 सीपीयू है इसका, यानी कि 6260 नंबर का जो आईसी इस मोबाइल के अंदर में फिट किया गया है। तो उसके बाद चलिए हम अपने मेडिकल बॉक्स के टूल में आते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मेडिकल बॉक्स का जो टूल है इसे हमने ओपन कर लिया है, और इसे इंस्टॉल करने के लिए, इसका ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा कि कैसे आपको इसका सेटअप करना है, कैसे आपको इंस्टॉल करना है। उससे पहले आप जान लें, जैसे मान के चलिए मैंने अभी लावा KKT34i को सर्च किया नेट पर, उसमें दिखाया गया MTK6260 सीपीयू का है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उस तरह के यहाँ पर सारी प्रोसेसर यहाँ पर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान के चलिए आपके पास क्वेल कम है या MTK है, स्पीड ड्रम है, जो भी है, तो आप अगर मान के चलिए उस मोबाइल को अनलॉक करना चाहते हैं या फ्लैशिंग करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको जो है आपको मोबाइल के बारे में जान लेना होगा मोबाइल कौन सा है। तो मोबाइल के बारे में जब आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सा मोबाइल है, कौन सा इसमें मॉडल नंबर है और कौन सा सीपीयू है, कौन सा आईसी लगा है इस मॉडल नंबर के अंदर में, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। जैसे मैंने आप MTK पे क्लिक किए तो आप उसका मॉडल नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका आईसी सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद चलिए स्पीड ड्रम पे चलते हैं। स्पीड ड्रम में जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद स्पीड ड्रम में भी आप यहाँ पे उसका आईसी नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने लावा KKT34i को मैंने सर्च किया 6260 दिखाया, तो उसी तरह हम यहाँ पे उसका बूट नंबर जो उसका आईसी नंबर नीचे में हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप रीड इनफो का सिस्टम है, रीड करने का सिस्टम है, इसमें राइट करने का सिस्टम है, फॉर्मेट करने का सिस्टम है, अनलॉक करने का सिस्टम है मोबाइल को। अगर मोबाइल मान के चलिए, अगर मान ले चलिए अगर आपके पास अगर कोई मोबाइल है और उसको अगर आप रीड करना चाहते हैं, यानी उसके फ्लैश फाइल को आप अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं, उसका बैकअप आप रखना चाहते हैं, आप उसे रीड कर सकते हैं। उसके बाद राइट फ्लैश आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि राइट फ्लैश में अगर आप चेक लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पे नीचे में जो है ऑप्शन आएगा, और उस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर से, आपके कंप्यूटर में जहाँ में भी जिस ड्राइव में भी जो है आपका फ्लैश फाइल सेव किया हुआ रहेगा, उस फाइल को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और फ्लैश फाइल को सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पर क्लिक करके आप उस फ्लैश फाइल को उस मोबाइल में जो है डाल सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, सॉफ्टवेयर चढ़ा सकते हैं आप यहाँ से स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको मोबाइल को बूट कराना है इस मेडिकल टूल से। और उसके बाद आप यहाँ पर जान लें दोस्तों सबसे पहले कि यहाँ पे स्टॉप करने का भी सिस्टम है और स्टार्ट करने का भी सिस्टम है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं IMI, अगर मान लीजिए किसी मोबाइल का अगर IMI करप्ट हो गया है तो उसे आप यहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं, IMI पे आप चेक लगा सकते हैं। उसके बाद उसके मोबाइल के पीछे जो भी IM नंबर सीरियल नंबर लिखा होगा उसे आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, और टाइप करने के बाद आप उसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करके उसका IMI जो है राइट कर सकते हैं उस मोबाइल में। उसके बाद आप यहाँ दोस्तों देख सकते हैं रीड अनलॉक का मतलब होता है कि अगर किसी मोबाइल में अगर लॉक लगा हुआ है और उस मोबाइल का लॉक अगर आप जानना चाहते हैं उस मोबाइल में कौन सा लॉक लगा हुआ है, तो उस मोबाइल को जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसमें कौन सा लॉक है। तो रीड अनलॉक पर आप चेक लगाएंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, और मोबाइल को जब आप USB डाटा केबल से इस टूल में बूट कराएंगे उसका जो लॉक है पासवर्ड जो है वो यहाँ पर शो करेगा, दिखाएगा, और वो पासवर्ड जब उस मोबाइल में आप डालेंगे तो उसका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं रीसेट यूजर कोड का मतलब होता है कि मान के चलिए उसके मोबाइल में अगर लॉक है, उस लॉक को आप नष्ट करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, ठीक है, हमेशा के लिए, तो आप रीसेट यूजर कोड पे चेक लगा देंगे। उसके बाद स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और जैसे अपने USB डाटा केबल से मोबाइल को कनेक्ट करेंगे इस टूल में, और ऑटोमेटिकली जो उसका जो पासवर्ड है वो रीसेट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फॉर्मेट के बारे में कि मान के चलिए अगर आप किसी मोबाइल को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो फॉर्मेट करने की क्या जरूरत है। दोस्तों मैं बता दूं कि कोई मोबाइल अगर लोगो पे अटक रहा है, मान के चलिए अगर लावा लिख करके अटक रहा है वो मोबाइल, उससे आगे नहीं आ रहा है, तो आप उस पे फॉर्मेट पे चेक लगा करके, ऑटो पे चेक लगा करके जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे बैकअप सेव करने के लिए कहा जाएगा। मान के चलिए कि अगर आप उस मोबाइल को फॉर्मेट कर रहे हैं तो फॉर्मेट करने के दौरान क्या होता है कभी कभी कि 100% में से कम जो है 10% जो मोबाइल जो है डेड हो जाती है, तो इस कारण से हमें यहाँ पे इसका जो बैकअप जो है रखना पड़ता है। तो फॉर्मेट करने से जब भी किसी मोबाइल को हम फॉर्मेट करेंगे उससे पहले हम उसका बैकअप जो है रीड कर लेंगे, यानी उसका फ्लैश फाइल हम रीड कर लेंगे, ठीक है, और रीड करके उसके बाद हम उसे फॉर्मेट कर सकते हैं और उसका मोबाइल जो कम्प्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको MTK के बारे में बताया उसी तरह से आप SPD स्पीड ड्रम में कर सकते हैं, क्वेलकम में कर सकते हैं, ये सारा का सारा जो अलग अलग टूल है ये सभी टूल में जो है आप अलग अलग मोबाइल को जो है फ्लैशिंग कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप मोबाइल के अंदर में, ठीक है, ये सारे टूल जो है इसी टूल में, मेडिकल टूल में उपलब्ध है।
तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल को बूट कराना इस टूल से, मेडिकल टूल से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेडिकल टूल में बूट कराने के लिए सबसे पहले जो है आपको मेडिकल टूल को जो ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद मैं आपको शुरू से बता रहा हूं दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान से देखें। और उसके बाद आप देखिए, मान के चलिए लावा केकेटी 34i को मैंने वहाँ पे सर्च किया नेट पे, ठीक है। MTK में था वो, तो MTK में था, तो मान के चलिए MTK मैंने यहाँ पे जो टूल है सेलेक्ट कर लिया। तो आप दोस्तों यहाँ पे मेडिकल में देख सकते हैं कि बहुत सारा टूल है, सैमसंग का टूल है, क्वालकॉम का टूल है, SPD स्पेड ड्रम का टूल है। तो मैंने MTK टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है, MTK टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसका बूट नंबर जो है मैंने यहाँ पे जो है ऑटो में रख दिया, ठीक है। अगर कभी कभी अगर ऑटो नहीं लिए तो आप उसका बूट नंबर जो उसका IC नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं मैंने मोबाइल को जो है यहाँ पे मैं आपको मोबाइल दिखा रहा हूँ, और मोबाइल में मैंने बैटरी लगा दिया है, मोबाइल ऑफ है बिल्कुल, और ऑफ हालत में मैंने मोबाइल को बैटरी लगा दिया है। बैटरी लगाने के बाद इसमें जैसे जब मैंने USB डाटा केबल में इंसर्ट करूँगा, उसके बाद आप यहाँ देखते हैं इसी मोबाइल जो ऑटोमेटिकली बूट करेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका मोबाइल जो बूट करेगा मेडिकल टूल से। उसके बाद आप मेडिकल टूल में जब आपका मोबाइल बूट कर जाएगा तो आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, फ्लैशिंग कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं इस मेडिकल टूल में। तो दोस्तों हमारा जो ये फाइल जो है रीड हो चुका है, अब इसे हम अपने कंप्यूटर के किसी ड्राइव में सेव कर लेंगे, और ताकि ये फ्लैश फाइल जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, इस फाइल को हम किसी और मोबाइल में, मान के चलिए यही मॉडल का अगर कोई दूसरा मोबाइल हमारे पास आ जाता है और हमारे पास फ्लैश फाइल ना हो, तो उस दौरान हम इस रीड किए हुए फाइल को उस मोबाइल में जो है राइट कर सकते हैं, ताकि वो मोबाइल जो है ऑन हो सके। और मान के चलिए अगर हमारे पास फ्लैश फाइल ना हो तो हम जो है गूगल पर जो है टाइप करके मॉडल नंबर उस फ्लैश फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, उस मोबाइल का फ्लैश फाइल, किसी भी मोबाइल का फ्लैश फाइल हमें अगर डाउनलोड करना होगा तो हम गूगल में जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ड्राइवर की, USB ड्राइवर, यानी मोबाइल का जो USB ड्राइवर होता है, यानी जब तक आप USB ड्राइवर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक आपका मोबाइल जो है यहाँ इस मेडिकल टूल से बूट नहीं करेगा, या किसी भी बॉक्स का जो टूल होता है उस टूल से बूट नहीं करेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितनी भी ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी आपको, वो सारी की सारी ड्राइवर की लिंक जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, USB ड्राइवर लिंक, ऑल मोबाइल USB ड्राइवर लिंक, उस वीडियो के अंदर में सारे के सारे ड्राइवर की जो लिंक दी हुई है, वो सारे के सारे ड्राइवर आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने कंप्यूटर लैपटॉप में इस तरह से जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से आप सारे के सारे ड्राइवर को बारी बारी जो है एक एक करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद चलिए दोस्तों बात करते हैं कि अगर मान के चलिए आपके पास अभी बॉक्स नहीं है, अभी आप बॉक्स खरीदना नहीं चाहते हैं, आप फ्री में सीखना चाहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं, इसके लिए भी मैंने आपके लिए उपाय कर रखा है, आप फ्री में भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं तो उससे पहले आप साइकिल आपको चलानी आनी चाहिए, साइकिल आप पहले सीख लें तब आप मोटरसाइकिल पर चढ़ें। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि आप मेडिकल बॉक्स चलाने से पहले आप एक इसका फ्री वर्जन है जिसका नाम है मेडिकल क्रैक, ठीक है, 2.27a, इसकी लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में जो है यूज कर सकते हैं। वो मेडिकल बॉक्स के जरिए काम नहीं करेगा, बिना बॉक्स के काम करेगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए मैंने आपको दिखाया कि ये सेटअप जो मैंने अभी आपको दिखाया वीडियो, ये मेडिकल बॉक्स में मैंने आपको दिखाया, और इसमें आपको पैसे खर्च करने होंगे, और मान के चलिए अगर उस क्रैक को आप डाउनलोड करते हैं तो वो बिना बॉक्स के ही वो कनेक्ट हो जाएगा, बिना बॉक्स के ही वो वर्क करेगा, काम करेगा, उसमें आप जो है सीख सकते हैं, आप मोबाइल रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें जो उस जो क्रैक में मेडिकल क्रैक 2.27a में जो आप काम करेंगे, उसमें आपका जो पुराना 2015 से पहले जितनी भी मोबाइल होगी, वो सारी की सारी एंड्रॉइड स्मार्टफोन या कीपैड मोबाइल जो भी होगी, वो सारी की सारी मोबाइल को जो है आप फ्लैशिंग कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं उस टूल में। और मान के चलिए आप जब पूरी तरह से अच्छी तरह सीख लें, प्रैक्टिस आपको हो जाए, उसके बाद आप मेडिकल बॉक्स खरीद सकते हैं। तो दोस्तों उस क्रैक को यूज करने से पहले आपको ये सारी की सारी ड्राइवर जो है आपको इंस्टॉल करना होगा बारी बारी से अपने कंप्यूटर में, और ये सारी ड्राइवर की लिंक मैंने एक वीडियो में डाल दी है, उस वीडियो का नाम है ऑल मोबाइल USB ड्राइवर लिंक। उस वीडियो में आप जब जाएंगे तो उसमें लिंक दिया हुआ है सारी की सारी ड्राइवर का, और नोकिया मोबाइल, सैमसंग मोबाइल, जितनी भी मोबाइल आती है सारे मोबाइल की जो ड्राइवर उसमें दी हुई है उसकी लिंक, ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उन सभी ड्राइवर को आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद मेडिकल क्रैक के बारे में आपको बता दूं दोस्तों कि मेडिकल क्रैक जब आप डाउनलोड करेंगे, इस वीडियो में इसकी जो लिंक मैं दे दूंगा अभी, और उस मेडिकल क्रैक को जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको अपने कंप्यूटर का जो एंटीवायरस होगा उसे आपको डिसेबल कर देना होगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपका एंटीवायरस अगर इनेबल रहेगा तो वो जो है फाइल जो है आपका जो उसमें वायरस होता है वो जो खा जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है पहले अपना एंटीवायरस डिसेबल कर देना है, और डिसेबल करके ही आपको काम करना है मेडिकल क्रैक में, ठीक है। और डिसेबल करने के बाद जब आप उस वो कंप्रेसर फाइल होता है उसे आपको इरेज करना होगा, तो उस फाइल को आप इरेज कर लेंगे, उसके बाद उसे आप कॉपी करके अपने सी प्रोग्राम में डाल देंगे, यानी कंप्यूटर का आपको जो सी ड्राइव है, सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल में आप उस पूरी की पूरी सेटअप को आप डाल देंगे, और वहाँ से जो है आप उसका जो लोडर होगा उस लोडर को जो है आप सेंड कर देंगे अपने डेस्कटॉप पर, और उसके बाद उस लोडर को आप ओपन करेंगे, बिल्कुल इसी मेडिकल बॉक्स की तरह ही ओपन होगा, और इसी की तरह आपको इंटरफेस दिखेगा,
और इसी की तरह उसमें सारा का सारा फंक्शन होगा और सिर्फ उसका वर्जन चेंज होगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ था 2.51 तो उसमें लिखा होगा 2.27A, ठीक है, और बिल्कुल दिखेगा आपको बिल्कुल सेम इसी तरह। और इसी तरह आप जो है किसी भी मोबाइल को जो है आप फ्लैशिंग कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं। और अगर मान के चलिए अगर आप बॉक्स खरीदना चाहते हैं तो मेडिकल बॉक्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है तो इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, लास्ट में आप देख लें पूरी वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको मेडिकल बॉक्स इंस्टॉल करना है, कैसे उसका जो सारा का सारा ड्राइवर जो है इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर। दोस्तों आप इतना जान लें कि जितनी भी कंपनी की मोबाइल होती है, चाहे मोबाइल किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो नोकिया का हो, लावा का हो, या सैमसंग का हो, या चाहे एमआई का हो, किसी भी कंपनी का मोबाइल है, वो सभी कंपनी जो है एमटीके, स्पीडरम, क्वेलकम, ठीक है, ये सारी की सारी जो आईसी यूज करता है, तो कोई भी आईसी किसी भी मॉडल में हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आप किसी भी मॉडल का जो है सीपीयू जो पता कर सकते हैं गूगल में, उस तरह से आप पता कर सकते हैं। और मेडिकल बॉक्स कैसे इंस्टॉल किया जाता है आप यहां देख लें दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रहा हूं इस तरह से मेडिकल बॉक्स इंस्टॉल किया जाता है, इस तरह से आप भी जो मेडिकल बॉक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। तो दोस्तों अगर कोई भी सवाल सुझाव हो आपका तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा और ऑनलाइन मैं आपका हेल्प कर सकता हूं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और किसी काम आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।